मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली कराने के आरोप लगाने के बाद उद्धव सरकार में उथल पुथल मच गई है। राज्य में विपक्षी पार्टी भाजपा गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। इस पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सोमवार को देशमुख का बचाव करते हुए कहा कि जिस वक्त की मुलाकात का परमबीर सिंह ने जिक्र किया है उस वक्त देशमुख अस्पताल में थे। पवार ने कहा कि देशमुख और वाजी की मुलाकात को लेकर परमवीर सिंह के आरोप पूरी तरह गलत हैं। उन्होंने कहा कि परमवीर सिंह जांच की दिशा को भटकाने के लिए इस तरह के गलत आरोप लगा रहे हैं। ये मेरे साथ सबसे जिगर से मेरे पास 15 फरवरी का सर्टिफिकेट है। दिस इज अनिल देशमुख। आई एम गिविंग दिस। That's fine, sir. Yeah, video conferencing press call. Achha, I was told this is a video conferencing session. What? सर माइक आईडी ये वीसी की बात है जो बताया आपके सामने बताया, इसलिए मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता। इम्पोर्टेंट गोष्ट ये नहीं है। इम्पोर्टेंट गोष्ट ये बात है कि सच ये इनके घर के सामने जो बात हुई थी, एक जिसकी हत्या हुई वो, दो इसकी हत्या को कौन जिम्मेदार है वो, तीन ये सीरियस बात आप छोड़कर आप डाइवर्ट कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं। इसका मुझे इस पर पलटवार करते हुए भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने देशमुख का 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक वीडियो साझा किया है। भाजपा के आरोपों के बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सफाई दी है कि उन्होंने भाजपा के आरोपों के बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सफाई दी है कि उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ फैला रही है। वे पहली बार 28 तारीख को अपने घर से बाहर निकले थे। इस बीच कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि पार्टी के केंद्रीय नेता देशमुख से जुड़े मामलों में महाराष्ट्र के नेताओं के संपर्क में हैं। सूत्रों के मुताबिक इसी मसले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने रविवार को दिल्ली में शरद पवार से मुलाकात भी की थी।